तो जैसे कि मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए वेट कर रहे हैं, क्योंकि यही एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि इंडिया में पूरे इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट को बदल के रख सकती है। तो गोगोरो इलेक्ट्रिक की तरफ से आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ आ चुकी है। आपको मैं बता दूं कि इसी दिसंबर गोगोरो इलेक्ट्रिक की तरफ से एक न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो कौन सा है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर और क्या है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस, स्पेसिफिकेशंस और फीचर्स, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस मिले सबसे पहले। तो गोगोरो की तरफ से जो न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर इंडियन मार्केट में हमें देखने को मिल सकती है उसका नाम दिया गया है गोगोरो क्रॉसओवर। और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 2023 के दिसंबर महीने में हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकती है। अब इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को एक एसयूवी स्कूटर बताया जा रहा है। जैसे कि हम लोगों को कुछ महीने पहले ही इंडियन मार्केट में रिवर इंडे इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिला था, उस स्कूटर को भी एसयूवी ऑफ स्कूटर बताया गया था। उसी तरह से गोगोरो का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर भी एसयूवी ऑफ स्कूटर बताया जा रहा है। गोगोरो क्रॉसओवर स्कूटर में आपको एक स्टील फ्रेम देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही एक मजबूत फ्रेम होने वाली है। साथ ही सस्पेंशन की अगर बात करें तो फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलेगा और रियर में आपको शॉक एब्जॉर्वर सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा। टायर्स की अगर बात करें तो 12 इंच के टायर्स आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएंगे और दोनों ही व्हील्स में आपको डिस्क ब्रेक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। गाड़ी का कर्व वेट की अगर बात की जाए तो 126 यानी 126 केजी का कर्व वेट आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। चलिए अब स्कूटर के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात कर ले। स्कूटर का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 142 mm का मिलने वाला है। अब स्कूटर की बैटरी के बारे में अगर बात कर ले तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटर स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है और अभी दिल्ली के अंदर कुछ कुछ स्वैपिंग स्टेशन भी इस स्कूटर के लिए आ गया है। और इस स्कूटर में आपको दो स्वैपेबल बैटरी देखने को मिल जाएगी। हर एक बैटरी का वेट 10 केजी का रहने वाला है और बैटरी कैपेसिटी की अगर बात करें तो 1.6 किलोवाट आवर का बैटरी कैपेसिटी दोनों ही बैटरी का रहने वाला है, यानी एक बैटरी 1.6 किलोवाट आवर की। अब इस स्कूटर की पावर की अगर बात करें तो इस स्कूटर में आपको एक लिक्विड कूल्ड मोटर मिलने वाला है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करेगा 7 किलोवाट की। और टॉर्क की अगर बात करें तो 26.6 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। अब आपको गोगोरो क्रॉसओवर की कुछ फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है गोगोरो IQ सिस्टम, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB पोर्ट, 7 इंच टच स्क्रीन डिस्प्ले साइज, स्मार्टफोन इंटीग्रेशन, नेविगेशन सिस्टम, वॉइस कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, पार्किंग असिस्ट, हैजार्ड लाइट्स, रिमोट कीलेस इग्निशन, साइड स्टैंड सेंसर, एंटी थेफ्ट अलार्म और लो बैटरी वार्निंग जैसे कुछ फीचर्स आपको गोगोरो क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। टॉप स्पीड की अगर बात करें तो 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगी और एक्सेलरेशन टाइम की अगर बात करें तो 0 to 50 किलोमीटर पर आवर ये स्कूटर 4.5 सेकंड्स में अचीव कर लेती है। तो अच्छा खासा एक्सेलरेशन और पावर आपको इस स्कूटर में देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको फीचर्स वाइज भी एक फीचर लोडेड इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाली है। साथ ही आपको इस स्कूटर में अगर थोड़ा सा बड़ा सामान कैरी करना है तो इस स्कूटर का जो बैक सीट है उसको आप पूरी तरीके से हटा पाओगे ताकि आपको बड़ा सामान कैरी करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। गोगोरो क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ आपको कुछ ऑप्शनल एसेसरीज भी मिलने वाली है जैसे कि लगेज रैक्स, टॉप केसेस और पैनियर्स जैसे कुछ एसेसरीज। चलिए अब गोगोरो क्रॉसओवर इलेक्ट्रिक स्कूटर की प्राइस के बारे में बात करें तो 1.2 लाख रुपए के आसपास इस स्कूटर का प्राइस जा सकती है। हालांकि ये स्कूटर पहले B2B मार्केट के लिए इंडियन मार्केट में लॉन्च होने वाली है और बाद में ये नॉर्मल कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल कर दिया जाएगा। वैसे आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताइए और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।